बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं अभी ऑनलाइन उनकी क्लास चलती है, तो 6 महीने की जो उनकी फीस होती है तो वो लोग स्कूल वाले फीस मांगते हैं, फोन बार बार करके परेशान करते हैं कि फीस भेजो। तो पहले जो था कि कस्टमर मुंह मांगी कीमत देते थे, लेकिन अब क्या है कि कस्टमर 300 400 500, तो उसमें बहने घर चलाएंगी या फिर बच्चों की फीस भरेगी, घर का भाड़ा भरेगी, लाइट बिल भरेगी, मेंटेनेंस भरेगी। हमारी बहनें रोज कमाती है, रोज खाती है, इतना नहीं कमा पाती है कि जितना वो बच्चों का पूरा भरण पोषण कर सके। हाँ अभी जो के हेल्थ को लेकर सेक्स वर्करों को बहुत सी परेशानी आई है, क्योंकि जहां भी कोई तबीयत खराब होता है वहां पे जाके हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो लोग सिर्फ एक ही मुद्दा रखते थे, कोरोना की जांच कराओ, उसके अलावा कोई दवा ही नहीं दे रहे थे। जो लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम में लड़की लोग तो सोचा था जी हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो उस टाइम में खाना नहीं मिल रहा, वो लोग का पैसा नहीं है, तो घर में तो बाबू बीबी तो झमेला होते ही रहेंगे। हाँ, तो बाबू लोग क्या करते हैं, वो लोग तो खाने वाला है, बीबी लोग पर बैठा कर खिलाता है और बाबू लोग मरता है। तो उस टाइम में पैसा नहीं मिला, मारधर तो होता ही है, तो उस टाइम में मारधर होता है तो हम लोग को पास आता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो समझाते हैं। दुर्बल के तरफ से पूरा बारी बारी में जाके हम लोग बारी वाला से बैठ के हम लोग मीटिंग किया था, ठीक है। मीटिंग इसीलिए किया था जो देखिए लड़की लोग का कमाई नहीं हो रहा है, लड़की लोग का कहाँ से हम लोग अभी भाड़ा देंगे, ठीक है। तो बारी वाला बोल रहे थे कि हम लोग को भी तो पेट नहीं चल रहा, तो हम लोग मैंने 4 5 आदमी हम लोग ये थे, उन लोग को भी बात हम लोग को सुनने पड़ेगा कि देखिए प्रॉब्लम सबको हो रहा है, ठीक है, तो सबको एडजस्ट करने पड़ेगा, मानने पड़ेगा। तो बारी वाला बोलिए बोलिए क्या, देखिए आप लोग को तो 4 5 महीना भाड़ा आप लोग को छोड़ने पड़ेगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुद्धदेव कमस्कर बनाम वेस्ट बंगाल 2011 केस के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद 21 का याद दिलाया जो गरिमा के साथ जीने के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें यौन कर्मियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन कर्मियों को राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या बैंक में खाता खोलने आदि में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारी राय है कि अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि यौन कर्मियों को इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि वे भी भारत के नागरिक हैं और अन्य लोगों के समान उनके भी मौलिक अधिकार हैं। यह आदेश आज तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, लिहाजा कोविड-19 महामारी के दौरान यौन श्रमिकों की आय पूरी तरह से बंद हो गई। राशन कार्ड और आधार कार्ड की कमी के कारण वो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा घोषित राहत उपायों तक नहीं पहुंच सके और न लाभ उठा सके। ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स की सिस्टर संस्था दरबार महिला समन्वय कमेटी ने इस ऑर्डर के परिपेक्ष में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के मद्देनजर एक आदेश पारित किया, जिसमें राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह कहा गया कि वे उन सभी यौन कर्मियों के लिए राशन की व्यवस्था करें जिनकी पहचान राष्ट्रीय एड नियंत्रण संगठन अर्थात नैको द्वारा और समुदाय आधारित संगठनों द्वारा की गई है, और ये राशन बिना किसी पहचान के प्रमाण के उपलब्ध करवाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी इस आदेश को ठीक से लागू करवाने के लिए कहा। दुर्बार का तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया था कि आप लोग का तरफ से, सरकार का तरफ से हर जगह का सेक्स वर्कर को रेशन कार्ड, जिसको नहीं है उसको रेशन मिलना चाहिए, रेशन कार्ड जिसको नहीं है उसको रेशन कार्ड बनाना चाहिए, और जिसका पास रेशन कार्ड नहीं है उसको खाना भी मिलना चाहिए। तो हम लोग का जब अप्लाई किया था उस टाइम सुप्रीम कोर्ट इसको राय दिया है, हाँ मतलब ये मिलना चाहिए, और वो लोग राय दिया कि होगा। तो इस टाइम से क्या हुआ कि कोई सेक्स वर्कर को खाना मिलता है, बहुत जगह सब जगह का सेक्स वर्कर को खाना मिलता है, और साथ साथ में जो रेशन कार्ड है उसको भी मिलता है, जिसका रेशन कार्ड नहीं है उसको भी फूड कूपन दिया जाता है, और कूपन का तरफ से उसको खाना मिलता है, और जिसको फूड कूपन अभी तक मिला नहीं उसको भी हर जगह से और सरकार का तरफ से अभी खाना मिलता है। लॉकडाउन में सेक्स वर्कर की जिंदगी पलट दिया था, उस तरह से हम लोग क्या किए, सेक्स वाले लोग से हम लोग मिले, उनकी जरूरतें हम लोग सुने, उसके बाद हम लोग क्या किए, सब एनएसडब्ल्यू के सब मिल के हम लोग फंड इकट्ठा किए, करने के बाद वो पैसा लेके हम लोग
उससे इस प्रकार बहन लोग को रेंट का भाड़ा दिए, उनके बच्चे के पढ़ने का पैसा दिए, उसके बाद कोविड सिचुएशन में उनको जो जरूरत था मास्क सैनिटाइजिंग नैपकिन, दूसरी बात उनको हम लोग क्या किए और उनकी जो फिनेंशियल जो जरूरत था उसको भी हम लोग पूरा किए, उनको मेंटली का सपोर्ट भी हम लोग दे रहे हैं और उनके हेल्थ के लिए भी हम लोग देख रहे हैं। ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स ने यौन कर्मियों और अन्य महिलाओं के अधिकार पर काम करने वाली अन्य संस्थाओं एवं संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा गठित पैनल को कोविड-19 के दौरान यौन कर्मियों के जीवन के संदर्भ में कुछ सुझाव दिए। मानव अधिकार आयोग ने इस विशेषज्ञ पैनल का गठन किया था जिसका काम कोविड-19 में महिलाओं के अधिकार विषय पर अपने सुझाव और अनुशंसाएं देने का था। अक्टूबर 2020 में मानव अधिकार आयोग ने एक व्यापक सलाह जारी की जिसमें महामारी के दौरान यौन कर्मियों के अधिकारों की गारंटी देने की महत्वपूर्ण सलाह और अनुशंसा शामिल की गई। अनुशंसाओं का सार एक्सट्रैक्ट। यौन कर्मियों को अनौपचारिक श्रमिकों के रूप में पहचाना जाए और पंजीकृत किया जाए ताकि उनको श्रमिक लाभ प्राप्त हो। यौन कर्मियों को अस्थायी दस्तावेज जारी किए जाएं ताकि यौन कर्मियों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ मिल सके, जैसे राशन, क्योंकि बहुत सी यौन कर्मियों के पास न तो राशन कार्ड है और न ही कोई नागरिक दस्तावेज। प्रवासी यौन कर्मियों को अन्य प्रवासी मजदूरों की तरह योजनाओं और लाभों में शामिल किया जाना चाहिए। गैर पारंपरिक जीवन व्यवस्था में यौन कर्मियों को पार्टनर और परिवार के सदस्य से घरेलू हिंसा का खतरा है, इसको पहचानना आवश्यक है। हिंसा से पीड़ित महिलाओं की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए संरक्षण अधिकारियों को प्रोत्साहित करें। सभी लोगों ने ग्लोबल फंड को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि इंडिया में इस तरीके से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, कम्युनिटी को कहीं से कुछ भी सहायता उस तरीके की नहीं मिल रही है। तो ग्लोबल फंड ने देश में HIV की पॉपुलेशन को, जिसमें ट्रांसजेंडर, MSM, सेक्स वर्कर के बच्चे, उन सब को 10 मिलियन पैसा देने के लिए उन्होंने बोला है। वो 10 मिलियन इतना ज्यादा पैसा नहीं है, फिर भी कम्युनिटी को एक राहत है और कम्युनिटी की उससे पावर पता लगती है। तो हम उसी पावर के साथ आज ये बात कह रहे हैं कि कम्युनिटी को हमेशा एक रहना चाहिए, ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आती रहेंगी और उस समस्याओं से लड़ने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए एकता के साथ। जिंदाबाद। देश के सभी की पॉपुलेशन की तरफ से एक राहत मांग संबंधी याचिका ग्लोबल फंड को भी भेजी गई, जिसमें 10,483 लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए। इन हस्ताक्षर करने वालों में बड़ी संख्या में विशेषज्ञ, शिक्षाविद और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि समेत 236 समुदाय आधारित संगठन भी शामिल रहे। इस याचिका ने यौन कर्मियों, ट्रांस व्यक्तियों, समलैंगिक लोगों, ड्रग्स के इंजेक्शन लगाने वाले लोग, अनाथ और हाशिए पर रह रहे बच्चों के लिए तत्काल राहत प्रदान करने के लिए आर्थिक सहयोग की मांग की गई। याचिका के जवाब में ग्लोबल फंड ने इस आबादी को भोजन, आश्रय और जेंडर आधारित हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। यौन कर्मियों की मांगे। यौन कर्मियों तक कोविड से बचाव का टीका। कोविड के टीकाकरण अभियान में यौन कर्मियों को प्राथमिक श्रेणी में डालते हुए पहली कड़ी में ही कोविड के बचाव का टीका लगाना चाहिए। इस टीकाकरण अभियान से पहले टीकाकरण संबंधी सभी भ्रांतियों या गलतफहमियों को दूर भी किया जाना चाहिए। इस अभियान में यौन कर्मियों द्वारा संचालित समुदाय आधारित संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इससे उन्हें शामिल करना अति आवश्यक है। कोविड से बचाव के उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं। यौन कर्मी स्वास्थ्य कर्मी भी हैं। इसी के साथ उनके काम की प्रकृति उन्हें कोविड के संक्रमण के प्रति संवेदनशील बनाती है, इसलिए उनके लिए मास्क, सैनिटाइजर, PPE किट इत्यादि की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ लाल बत्ती इलाकों में साफ सफाई सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। यौन कर्मियों के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राशन मिलना शुरू हुआ, उसके नियमित वितरण को सुनिश्चित करना चाहिए। यौन कर्मियों के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य कोविड में बहुत प्रभावित हुआ, उस पर विशेष ध्यान देते हुए उनके लिए विशेष आर्थिक और सहायता पैकेज दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। कोविड के दौरान बड़ी संख्या में यौन कर्मी समुदाय के लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहे, इसलिए जरूरी है कि यौन कर्मियों और ट्रांसजेंडरों को प्रजनन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के साथ बेहतर नियमित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो पाए। सामाजिक सुरक्षा और हकों की प्राप्ति।
सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि यौन कर्मियों के पास दस्तावेजों की कमी की वजह से उन तक सामाजिक सुरक्षा और हक नहीं पहुंच पाते, इसलिए जरूरी है कि सिंगल विंडो के माध्यम से यौन कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए और उनको एक नागरिक के तौर पर समान हकों और सामाजिक सुविधाओं की प्राप्ति हो पाए। आर्थिक सहयोग। यौन कर्मियों ने कोरोना के दौरान अपनी पूरी बचत और आय खो दी। इतना ही नहीं, उन्हें जीवन चलाने के लिए कर्ज तक करना पड़ा। इसलिए यौन कर्मियों को सरकार की तरफ से कम 5,000 रुपए मासिक कोविड सहायता मिलनी चाहिए। लैंगिक और घरेलू हिंसा की समाप्ति। ऐसा वातावरण बनाया जाना बहुत जरूरी है जब यौन कर्मियों हिंसा के मामले को बेझिझक बिना शर्म के दर्ज करवा पाए, जिसमें सिस्टम का संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। कोविड के दौरान लैंगिक और घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं, इसलिए समुदाय आधारित संगठनों के साथ मिलकर लैंगिक और घरेलू हिंसा की समाप्ति के लिए प्रयास करने चाहिए। यौन कार्य को कार्य की मान्यता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सहमति के बाद अब भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को यौन कार्य को कार्य की मान्यता देनी चाहिए। इससे लाखों यौन कर्मियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। श्रमिक के तौर पर मान्यता मिलने के बाद यौन कर्मियों के जीवन में निश्चित तौर पर बेहतर बदलाव आएंगे।